नमस्कार दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको कुछ दृष्टि के बारे में बात करेंगे, विजन के बारे में, निगाह कमज़ोर हो जाना। लेकिन इसके में हम आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि सीधे कमेंट में मुझसे पूछ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है कि कौन सी दवा करें, क्योंकि आप मेरे पास दवा लेने नहीं आ रहे हैं, ना मैं आपको दवा देने आ रहा हूँ। दवा आपको खुद ही खरीद के करनी है। तो आप थोड़ा वीडियो में दिमाग लगाइए और अपनी दवा चूज़ कीजिए और डायरेक्ट ले आइए। मुझे तकलीफ़ बता करके पूछने से कौन सी दवा खाएं और फिर उसको 2 दिन बाद बदलना है, फिर उसको 4 दिन बाद बदलना है, तो मैं आपका ट्रीटमेंट तो नहीं कर पाऊँगा वहाँ तक, न मैं आपको दवा दे रहा हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो में अपनी दवा खुद सेलेक्ट करें और उसको 5 ml, 10 ml, 15 ml, 10-15 रुपये की लेकर के आएँ और उसको 2-2 बूंद दिन में 3 बार पिए या गोली बना कर खाएँ और उसके बाद उसका परिणाम देखते हुए अपनी दूसरी दवा आप चूज़ कर लें। मेरे को पकड़ने से आपका मामला हल नहीं होने वाला, मैं तो खुद ही पूरा का पूरा आपको चिट्ठा दे दे रहा हूँ। आप अपनी दवा उसमें सेलेक्ट कीजिए और अपना ट्रीटमेंट कर लीजिए। कभी मामला फंसे कि हाँ आपने 4-6 दवाई खा ली, 2-3 महीना ट्रीटमेंट कर लिया, आपको फ़ायदा नहीं मिला, तब तो ज़रूर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। लेकिन अभी डायरेक्ट में ना मैं आपको देख रहा हूँ कि आप लंबे हैं कि गोरे हैं कि नाटे हैं कि काले हैं, तो मैं आपकी दवा पहचान तो नहीं पाऊँगा, ना मैं आपके लक्षण पहचान पाऊँगा। इसलिए मुझे लक्षण बता करके दवा पूछने से आपको अच्छा है कि आप वीडियो को 2-3 बार देखें, डाउनलोड कर लें, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उसका पहला शुरू में जो हम कास्टिंग में देते हैं उसको पढ़ें और उसमें जो है आप अपनी दवा खुद सेलेक्ट करें। वीडियो को 2-3 बार देख लें, डाउनलोड करके रख लें अपनी प्रॉब्लम की, और 2-3 बार देख के उसी दवाइयों को शुरू करें जो जो आपसे लक्षण मैच कर रही है, और कुछ दिन ट्रीटमेंट करके परिणाम की परीक्षा कर लें, तब आप उससे दवा पूछें कि मेरी ये दवा खाली है और मेरा काम नहीं बना है, तब तो मैं शायद आपकी शायद अच्छे से मदद कर सकूँगा। और सीधे सीधे मुझे पकड़ लेने से आपका ट्रीटमेंट नहीं हो जाने वाला, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 8-8, 10-10 दवा, उसमें से कौन सी दवा आपको देनी है, आपको क्या लक्षण है क्या नहीं है, ये तो आप ही बता पाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये आपके फायदे की बात बता रहा हूँ कि आप वीडियो को कायदे से देख लीजिए, 1-2 बार देख लीजिए, उसको डाउनलोड करके रख लीजिए, खूब कायदे से देख करके अपनी दवा सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। और उसके बाद भी अगर कोई असुविधा होती है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। तो अब आते हैं मेन लाइन पे। आज का हमारा चैप्टर है दृष्टि, विजन कम दिखाई पड़ता है, तो इसकी दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली दवा है फास्फोरस, टाइफाइड, लैंगिक अधिकता, तरल पदार्थों की कमी अथवा बिजली गिरने के बाद का अंधापन, आँख की नाड़ी के फालिज के कारण अंधापन, तो फास्फोरस दवा ली जानी है। दवाई 30 पोटेंसी में ही लेनी है जब तक कोई दूसरी पोटेंसी न बताई। अगली दवा है फाइजर स्टिग्मा, रात का अंधापन, आँख की नस पर दबाव पड़ने के कारण दृष्टि बंद हो जाना, ग्लैकोमा व पास की दृष्टि के कारण, तो फाइजर स्टिग्मा दवा ली जाएगी, ये अच्छी दवा है, इसको जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट है पिलोकार्पस, यह दवा दूर दृष्टि सुधारती है, जब थोड़ा सा भी प्रयोग से आंखें थक जाती हैं, आंखों में जलन व गर्मी, पलकों में फड़कन, प्रकाश व आंखों पर जोर देने से आंखों में परेशानी, तो पिलोकार्पस दवा आजमानी चाहिए। इसके बाद है रैनकुलस बी, गर्भवती महिलाओं में रात या दिन का अंधापन, रैनकुलस बी से ठीक होगा। नेक्स्ट है साइक्लामेन, खुजली दबाने के कारण निगाह कम होना, आंखों के सामने बादल या पर्दा आना या धुआं अथवा धुंध होना, सामने की दृष्टि का सीधी तरफ से आधा हिस्सा गलत दिखाई देना, तो आपकी साइक्लामेन दवा काम करेगी। और इस मामले में आपको दवाओं को कुछ अरसे तक लेना है, क्योंकि ये 4-6 दिन में नहीं ठीक होने वाली प्रॉब्लम है आपकी, 4-6 दिन में हुई भी नहीं है और 4-6 दिन में ठीक भी नहीं होनी है, तो इसको एक अरसे तक लीजिए, जैसे कि 40 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन तक, उसके बाद आप इसका परिणाम देखिए। नेक्स्ट है आयोडियम, दृष्टि का एकाएक समाप्त हो जाना, तो आयोडियम दवा ली जानी है। नेक्स्ट है कॉकुलस इंडिका, दृष्टि कम अथवा धुंधली हो जाना, आँख की मांसपेशियों की कमजोरी, फालिज अथवा संकुचन में कमी, तो कॉकुलस इंडिका दवा ली जाएगी। उसके बाद है बोविस्टा, आँख की नाड़ी के फालिज के कारण अंधापन, तो बोविस्टा दवा काम करेगी।
अम्ब्रागीसिया आपकी दशा में बिना किसी कारण के अथवा खराबी के स्नायविक धुंधलापन, तो अम्ब्रागीसिया लेनी चाहिए। नेक्स्ट है सल्फर, आँख के सामने बादल, पर्दा, धुआं या धुंध जैसा होना, सुबह चलने पर ज़्यादा, तो लक्षण, इस लक्षण में सल्फर लेनी चाहिए। और नेक्स्ट में दो दवा एक साथ है, नेट्रम ब्यूर और चिलियम सल्फ, इसको 2 cc बना करके साथ में रखना चाहिए इस लक्षण में, और दोनों दिन भर में 3-4 बार लेनी चाहिए। किसी अर्ध भाग का न दिखना, आधा पोर्शन न दिखना, किसी अर्ध भाग का न दिखना, तो नेट्रम ब्यूर और चिलियम सल्फ दोनों 1 cc बना के रखना चाहिए गोली में, और 10-10 मिनट के अंतर से दिन भर में 3-4 खाना चाहिए, और कुछ दिन तक खा लेना चाहिए, कम से कम 10-15-20 दिन तक। उसके बाद फिर 2 दिन रुक के फिर शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट है एग्रिकस मस्केरियस, पास की निगाह खराब, धुंधलापन, अस्पष्ट दिखना, भद्दा दिखना, फड़कन एवं झटके बहुत स्पष्ट, आँख के सामने जाला या कोहरे सा अनुभव होना, रंग एवं आकृतियाँ सही न दिखना, तो एग्रिकस मस्केरियस। अब जैसे रंग है अपने सामने बैंगनी है, अपने को दिखाई पड़ रहा है काला है, तो फिर ये गलत है, तो इस तरीके से अगर कलर सही से नहीं दिख रहा है तो ये सब लक्षण है इसके, एग्रिकस मस्केरियस के, या आकृतियाँ सही से नहीं दिख रही है तो ये एग्रिकस मस्केरियस के लक्षण है। नेक्स्ट है ग्रेडियोला, सिर में खून ज़्यादा जाने के कारण दृष्टि कम होते जाना, तो ग्रेडियोला दवा दी जाएगी। और नेक्स्ट है मेफाइटिस, पास की दृष्टि खराब, पढ़ते समय अक्षरों में गड़बड़ तथा बारीक अक्षर ना पढ़ पाना, तो मेफाइटिस दवा लेनी चाहिए। इसके बाद है लिथियम कार्ब, दाईं ओर का आधा हिस्सा ना दिखना, दाहिनी ओर का आधा हिस्सा नहीं दिखता किसी भी चीज़ का, ऐसी तकलीफ होती है, तो लिथियम कार्ब दवा ली जाएगी। इसके बाद है कलकेरिया कार्ब, किसी एक ओर का आधा हिस्सा न दिखना, किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो किसी एक ओर का आधा हिस्सा नहीं दिख रहा है, तो कलकेरिया कार्ब दवा जो है इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है ऑरम बेट, ऊपर या नीचे का आधा हिस्सा न दिखना, अथवा ऊपर का हिस्सा काला दिखना और नीचे का साफ, बड़े अक्षरों में अंतर न कर पाना, पीली चीज़ें हवा में तैरती हुई दिखना, तो ये लक्षण है आरम्भ के। नेक्स्ट है सीपिया, वीर्यपात के बाद दृष्टि का धुंधलापन, पुतली सिकुड़ने के साथ साथ दृष्टि खराब हो जाना, कोई सा एक आधा हिस्सा न दिखना, तो सीपिया दवा भी काम करती है। इसके बाद एक ग्रेफाइटिस, साधारण पालिश के कारण अंधापन, सामने की दृष्टि के क्षेत्र के बाहर टेढ़ा मेढ़ा, अथवा प्रकाश का मंद अथवा तीव्र होना, तो ग्रेफाइटिस काम करती है। नेक्स्ट है ग्लाइकोपोडियम, रात्रि का अंधापन, कोई भी चीज़ आधी दिखती है, सोने में आंखें आधी खुली रहती है, तो ग्लाइकोपोडियम दवा दी जाती है। अगली दवा है चाइना, दृष्टि पटल में रक्तहीनता के कारण रात्रि का अंधापन, आँखों के चारों ओर नीलापन, आँखों पर जोर, तो चाइना दवा ली जाती है। अब अगली दवा आपको बताने जा रहे हैं बॉथ्रॉप्स एल, दिन का अंधापन, दृष्टि पटल से रक्तस्राव के कारण अंधापन, दिन निकलने के बाद देख पाना कठिन, तो ये दवा ली जाएगी। नेक्स्ट है एकोनाइट नैप, संकुचन के कारण यकायक अंधेपन का दौरा, यह दवा केवल प्रारंभिक अवस्था में दी जाती है, एक दिन 4-5 डोज देकर के इसका प्रोग्राम 2 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्टिकम, आँख के तरल के ऊपर झिल्ली बन जाने के कारण यकायक एवं बार बार दृष्टिहीनता, दृष्टि का धुंधलापन, मानो आँख के सामने कोहरा या पर्दा हो, तो कॉस्टिकम दवा दी जाएगी। नेक्स्ट है जेलसीमियम, यकायक चक्कर के साथ पूर्ण अंधेपन में जब आँख में भारीपन या थोड़ा बहुत दिखाई देता हो तो यह दवा दी जाती है। हस्त मैथुन के कारण दृष्टिहीनता, दृष्टि का ऊपरी आधा क्षेत्र त्रुटिपूर्ण, ये लक्षण थे
जेलसीबियम के, और इसके बाद है लैग्नेंथस। लैग्नेंथस में किसी चीज़ को बार बार देखने पर वो भद्दी दिखती है, भूरे रंग के गोले दिखाई देते हैं, आंखें चमकीली, पुतली बढ़ी हुई तथा गाल लाल हो तो ये दवा काम करती है। और नेक्स्ट है मर्करीज, अंधेपन का क्षणिक दौरा, प्रकाश अथवा आग की चमक के प्रति आंखें बहुत संवेदनशील, तो मर्करीज दवा दी जाती है। और इसके बाद साइक्यूटा विरोसा, बार बार दृष्टि का कम होना, मानो ध्यान मग्नता के कारण हो, साथ में चक्कर, विशेष रूप से चलने पर पढ़ने का अक्षर इधर उधर सीधे भागते दिखते हैं। नेक्स्ट है टिटैनियम, प्रारंभ में केवल आधी दिखती है, नजले की प्रवृत्ति, संभोग में जल्दी वीरपात के साथ तब हो सकता, तो ये जो है टिटैनियम दवा लेनी चाहिए। और नेक्स्ट है पल्सटीला, ऐसा लगना मानो आंखों का धुंधलापन दूर हो सकता है, आंसू आना, पुतली सिकुड़ी हुई, तो पल्सटीला दवा दी जाएगी। नेक्स्ट है साइनीसिया, यह काफ़ी पुराने रोगियों को अथवा जब सभी दवाएं असफल रहती हैं या ठीक एवं स्थायी असर नहीं करती है तो यह दवा देनी चाहिए। साइनीसिया के बाद है एलुमिना सिलिकेट, दृष्टि धुंधली, रात को कृत्रिम प्रकाश या आंखों पर जोर देने से ज़्यादा खराब धुंध एवं कमजोरी, तो एल्युमिनियम सिलिकेट। इसके बाद है डुबोइसिया, डुबोइसिया दवा में आंखों में ठंड एवं थकावट अनुभव होना, चीज़ें उभरी दिखती हैं, चेहरे हर तरफ से दोहरे दिखते हैं, दृष्टि में भ्रामक अनुभव, उसे लगता है कि उसके लिए कुर्सी रखी हुई है जबकि वहाँ कुछ नहीं होता, काफ़ी प्रकाश में भी अंधेरा दिखता है, और अपने हाथों को ऊपर उठाकर हाथों में छड़ी टटोलता है जबकि छड़ी नहीं होती, 2 फीट के अंदर का भी लिखा हुआ नहीं दिखाई देता, उसमें कई रंग जैसे नीले, नारंगी अथवा कत्थई दिखते हैं, आँख की नाड़ी की कमजोरी, आँख की नाड़ी के फालिज, रक्त वाहनियों का सिकुड़ जाना, तो ये दवा दी जाती है। अगली दवा है सीना, ऐसा लगता है मानो जाली के द्वारा देख रहा हो, आंखें मल लेने से बेहतर हो जाता है, तो सीना दवा दी जाती है। अभी नेक्स्ट है विराट्रम बी, आँख की नाड़ी में खराबी या संकुचन के कारण दृष्टिहीनता, मोमबत्ती के चारों ओर हरे हरे गोले दिखना और चक्कर आने पर लाल दिखना, तो ये दवा। उसके बाद है लूटा, पढ़ने पर आंखों का आसानी से थक जाना या पढ़ने पर निगाह का धुंधलापन अथवा आंखों में गर्मी व जलन व दर्द, निगाह पढ़ने के बाद अस्पष्ट और बारीक काम करने के बाद असमर्थ। नेक्स्ट है मेडोरिनम, आंखों के सामने प्रकाश का कम ज़्यादा होना, दृष्टि की अस्पष्टता तथा सामने काले व कत्थई धब्बे दिखना, चीज़ें छोटी या दोहरी दिखती हैं, आँखों में रेत अथवा तिनके के का अनुभव होता है कि आँखों में रेत पड़ गई है या तिनका पड़ गया, ऐसा फील होता है, तो ये दवा दी जानी है मनोरीगर। अब उसके बाद एक कोनियम, एक चीज़ को लगातार देखते रहने पर दृष्टि साफ, लेकिन हटाकर दूसरे पर देखने पर दृष्टि धुंधली व अस्पष्ट, जब तक कि हटाकर किसी और चीज़ पर बराबर से न देखा जाए, आँखों को हिलाने से तब तक चक्कर व अस्पष्टता, जब तक कि आँखें किसी एक चीज़ पर गड़ा न दी जाए, पढ़ने पर पंक्तियाँ हिलती हुई दिखती हैं और चीज़ें लाल दिखती हैं, तो कोनियम दवा दी जाती है। अब अगली दवा हम आप बता रहे हैं कुप्रम वेट, फोड़े फुलसियों के स्त्राव को दबा देने के कारण अंधापन, इसमें कंपन भी हो सकता है, तो कुप्रमेट दवा दी जाएगी। उसके बाद है फेरमेट, रात के अंधेरे में चीज़ों को देख सकने की क्षमता, फेरमेट। और इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कार्बोनियम सल्फ, हर चीज़ धुंध से ढकी हुई दिखती है, उसके चारों ओर मकड़ी का जाला दिखता है और लाल और हरी दिखती है,
आंख दाई आंख का अंधापन साथ में बाई आंख की दृष्टि काफी खराब, आंख की नाड़ी का सिकुड़ जाना, तो कार्बोनियम सल्फ दवा दी जाएगी। और लास्ट में हम आपको एसिड फॉस दवा बताएंगे। पास की दृष्टि खराब, आंखों के आगे काली लाइनें दिखना व शून्यता लगना, पास रखी हुई चीज़ों को चलते हुए देखना, तो एसिड फॉस दवा 30 पोटेंसी में ली जाएगी। तो दोस्तों सभी दवाएं लगभग 30 पोटेंसी में ही ली जानी है। जब कोई अलग पोटेंसी ली जाती है तो मैं उसी समय दवा के साथ बता देता हूँ कि इसकी अलग पोटेंसी ली जानी है। तो जिस किसी भाई को दृष्टि में किसी तरीके की शिकायत है तो वो इन प्रोग्रामों को देख करके कुछ कुछ दिन अपना इलाज कर ले, तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। लेकिन ये रोशनी का मामला है, उसमें जल्दी नहीं ठीक होगा। धीरे धीरे अपना इलाज कर ले और धीरे धीरे दवा खाते रहें। 20-25 दिन खा करके फिर दवाओं का परिणाम देखिए और उसके बाद जो है अपना ट्रीटमेंट के लिए जरूरत अनुसार फिर दवा चेंज की। तो मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।